धर्मशाला में एनएसयूआई ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर घटना के विरोध में जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। एनएसयूआई नेता पुनीत धीमान के नेतृत्व में एनएसयूआई कार्यकर्ता उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। राष्ट्रपति को ज्ञापन में एनएसयूआई ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में केंद्रीय मंत्री के बेटे के द्वारा की गई चार किसानों की मौत दुखद है। एनएसयूआई इसका पूरा विरोध करती है और उम्मीद करती है कि देश के प्रथम नागरिक होने के नाते किसानों को रीढ़ की हड्डी समझा जाना चाहिए और उन्हें तुरंत मुआवजा देकर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए, जिसके लिए राष्ट्रपति इस पर हस्तक्षेप करें। अन्यथा एनएसयूआई पूरे देश व प्रदेश में इसके लिए विरोध प्रदर्शन करेगी और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की स्थिति की जिम्मेदार सरकार की होगी। आपको पता होगा, अभी कुछ ही दिनों पहले यूपी में लखीमपुर में एक भाजपा के सांसद के द्वारा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है। वो गाड़ी चढ़ाना नहीं बोलते हैं, वो एक जानबूझ के किसानों के साथ अत्याचार किया गया। और जो किसान कितने समय से वहाँ पे एक शांतिपूर्वक वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांग को रख रहे हैं पिछले 1.5 साल से, है ना, उनके ऊपर एक सांसद, बीजेपी सांसद ने वहाँ पे गाड़ी चढ़ा दी और 6 लोगों की वहाँ पे डेथ होगी। मैं इसको डेथ नहीं बोलता, ये शर्याम जो है भाजपा सरकार के द्वारा, योगी सरकार के द्वारा उनका मर्डर किया गया है। और मेरी जो मांग है, आज राष्ट्रपति महामहिम के जरिए उनको आज ज्ञापन सौंपेंगे DC महोदय जी के माध्यम से, कि जो भी किसान वहाँ पे जो एक्सपायर हुए हैं, जिनके साथ भी अत्याचार हुआ है, उन किसानों को मुआवजा जो सरकार के द्वारा दिया जाए और साथ में जो भी दोषी इस केस में इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। अगर हमारी मांग को दरकिनार किया जाएगा तो NSUI पूरे प्रदेश में इस ढोंगी सरकार, जो कि योगी सरकार जो है यूपी में है, जो कि जाली बाबा, जो एक बाबा होते हैं जो सिर्फ पहाड़ों में बास करते हैं, पूरे ऐसे फ्रॉडी लोग हैं जो RS के संगी जो लोग हैं उनके ऊपर NSUI पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेगी। और RSS के जो लोग हैं, जो योगी सरकार के, जो भाजपा के जो लोग हैं उनके ऊपर जो है उनके पुत्ते दहन करेगी। देखिए, प्रियंका गांधी एक हमारे देश की नागरिक भी हैं और AICC की वो महासचिव भी हैं और UP के वो इंचार्ज भी हैं। तो वहाँ पे वो किसानों के साथ आज से ही नहीं, वो किसानों की मांग को लेके और किसानों के साथ पिछले 1.5 साल से साथ उनके साथ खड़ी हैं। और पिछले कल भी वो वहाँ पे किसानों को हक दिलाने के लिए, जो भी उनके साथ गलत हुआ है उनको राइट दिलाने के लिए वहाँ पे गई थी और भाजपा के गुंडों ने, योगी के गुंडों ने उनको रोका और उनके साथ बदसलूकी की गई। आप देखेंगे, आप वीडियो भी वहाँ पे पूरे सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है कि कैसे यूपी के गुंडे, पुलिस के गुंडे एक लेडीज़ के ऊपर, एक भारत की नारी के ऊपर कैसे अत्याचार कर रहे हैं।